भाई पहले ही बताया था कि सोशल मीडिया आप लोगों की ताकत है। सोशल मीडिया से बड़ी ताकत कल देखी होगी आपने। सबसे पहले तो धन्यवाद भाई पश्चिमी यूपी वालों का जो फ़ोन करने पर इतना एक्शन ले लिया, क्योंकि कल भाई बुखार था इसलिए मैंने पहले बता दिया। उनका फ़ोन आया था कि लाइव करना है, लाइव तो नहीं कर पाया था लेकिन फ़ोन करके सबको बता दिया था और सारे भाई पहुँचे भी, पश्चिमी यूपी वाले, हरियाणा वाले, गाजीपुर बॉर्डर पर उसी टाइम पर रातों रात पहुँच गए थे। लोगों ने सुना होगा कि रात रात में गेम पलट जा रहा है, वो भी देख भी लिया होगा, देखा होगा लोगों ने। ये जो सोच समझ कर जो रणनीति बना कर आ रहे थे कि वो गिरफ्तार करने का नहीं था भाई, ये गलत करने के लिए आए थे राकेश टिकैत जी के लिए, उसके साथ गलत करने के लिए आए थे, ये ऐसे नहीं आए थे। बाद में जो बोल रहे ना, हम तो हालचाल पूछने आए थे, कुछ आए थे, लेकिन इनकी मनसा कुछ और थी, मनसा कुछ और थी। लेकिन राकेश टिकैत का सिर्फ दो आंसू के बदले में देख लिया होगा कि के बदली हो सके है, बदली होना वो देख लिया लोगों ने। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि रात रात में लोग वहां पर पहुंच गए गाजीपुर बॉर्डर पर। एक बात जो शुरू तो कहते आए थे भाई, वह फिर बता रहा हूँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने बॉर्डरों पर अपनी ताकत बढ़ाओ। पहले ही बताया था, यह सरकार है सोची समझी रणनीति तो कुछ भी करे है। 26 जनवरी ने एक 5 मिनट के भीतर भीतर इन लोगों ने कराया, लेकिन जब इन्हीं का बंदा मिला तो कहीं अभी वो जिक्रा उठ रहा है? नहीं उठा ना, क्यों? क्योंकि इन्हीं का था वो, इन्हीं का था वो बंदा। जब इनका निकला तो उसका कहीं जिक्र नहीं, वो जिक्र खत्म करके फिर आ गए जाति पात जातिवाद पर, धर्मवाद पर, फिर आ गए ये। इनके पास इससे अलग कोई पिक्चर है ही नहीं, ये चीज अपने दिमाग में बिठा कर रख लेना। ये जातिवाद धर्मवाद के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, तोड़ सकते हैं आपस में, ये तोड़ते हैं ये। हरियाणा में क्या होता है ना, जब गादड़ की मरण मौत आ रहा है तो शहर कैंसा लग रहा है, जब इनकी मरण मौत आई तो शांत बैठे किसान छेड़े हैं इनने। ये जो सोच रहे थे कि भाई उसने पकड़ ले आएंगे, पकड़ के लेकर हम गलत हरकत जो कर लेंगे, जो यूपी के सीएम ने सोची थी वह रणनीति होगी फेल, ऐसे ही फैल करना हर रणनीति को। ये सभी भाइयों की जिम्मेवारी है। अपने सभी भाइयों से अपील थी, रिक्वेस्ट भी की थी, परसों भी की थी, आज फिर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या बढ़ानी है, अपने बॉर्डरों पर बढ़ाओ संख्या, कहीं और कहीं मत बैठो। इंटरनेट बंद होने दो, आपके फोन तो चलेंगे, फोन नहीं चलेंगे तो एक दूसरे को भेज के मैसेज तो दे सकते हो। अगर आपकी संख्या वहां पर ज्यादा होगी तो दो चार को भेज के आप मैसेज तो दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा संख्या अपनी बढ़ाओ, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, ज्यादा जितनी ज्यादा ज्यादा संख्या वहां पर आओगे, किसी की हिम्मत नहीं आंख उठाकर कोई देख लेगा। अगर संख्या कम होगी ना तो फिर ये वही कोई ना कोई फिल्म चलाएंगे, कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे। सभी भाइयों से पहले से कहते आए थे भाई, अगर कहीं पर लंगर चला रखा है वहां पर 10 आदमी 20 आदमी आराम से संभाल सकते हैं, ये सबको पता है। नहीं और कहीं पर अपनी ताकत को मत बांटो, एक जगह पर ताकत रखोगे किसी की हिम्मत नहीं है, आप लोगों को छेड़ देगा या आंख उठाकर देख लेगा। ये आपको पहले से बताया था, इन्होंने गड़बड़ करने की सोची, अपने आदमी भी घुसाए रात ने, दिन में घुसाए, बदनाम करने की पूरी पूरी साजिश रची। सिर्फ इस गोदी मीडिया में ही बदनाम होने की वह हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया ने जो एकदम से आवाज उठाई उसके ऊपर FIR दर्ज भी हुई है। अब कहाँ है वो लोग, ये लोग जो दबाना चाह रहे थे, अर्णब के व्हाट्सएप चैट दबाना चाह रहे थे, ये दबाना चाह रहे थे, कौन था वो दीप सिंह, कौन है दीप सिंह, दुपिंदु कौन था, उसका दबाने के लिए उसको किसान घोषित कर रहे थे। ये पूरे फर्जी गेम खेलते हैं, लेकिन इन फर्जी गेमों का जवाब देने के लिए किसान के पुत्र बैठे सोशल मीडिया। मैंने पहले ही बताया था, मीडिया बिकाऊ है, सोशल मीडिया बिकाऊ नहीं है दोस्तों। सोशल मीडिया आपकी अपनी ताकत है, इस ताकत को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। एक दूसरे के पास मैसेज दो, मत ये मैसेज दो कि भाई जो मैसेज अभी चल रहे हैं ना कि गांव गांव में बैठ कर धरने दो, नहीं भाई, धरने अगर देने हैं तो बैठना है तो बॉर्डर पर पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर अपनी ताकत बढ़ाओ। और किसी बात पर ध्यान मत दो, कोई चला देता है कुछ भी चला देता है, लाइव आके कुछ भी बोल देता है। मैंने पहले बताया था कि ना तो गलत चीजें बोलो ना ही गलत चीजें दिखाओ, इन गलत चीजों के चक्कर में पड़ोगे मेरे भाई, गलती होता जाएगा फिर वो। अपनी ताकत को मत बांटो, सबको पता है किसान पुत्रों की जो ताकत अब एक हुई है ना, एक दो आंसू ही गिरे थे ना राकेश टिकैत के, पता लग गया सरकार को वो महेंद्र टिकैत की औलाद है यार, उसका खून है वो, और खून बोलता है, बोलते हैं डीएनए बोलता है, वो डीएनए बोल लिया रात को, अगले ने बोला था चाहे मेरे गोली मार दो, फांसी तोड़ दो, लेकिन मेरे किसान के बच्चों को सेफ जाने दो, बोला था। तो ऐसे लोगों की ताकत बढ़ाओ भाई, बचपन से सुनते आए थे ना, टिक गया वो टिकेत तो टिक गया, टिकेत तो टिक गया, लेकिन अब आप लोग कहाँ हो भाई, आप लोग कहाँ पे हो? आप आओ ना, पहुंचो ना बॉर्डर पर, अगर किसी भाई को मिलना है आ जाना भाई, टिकरी बॉर्डर पर मिलेंगे। अपनी ताकत ज्यादा से ज्यादा जितनी बढ़ा सकते हो, अपने आप को अगर किसान का पुत्र मानते हो, किसान की औलाद मानते हो, तो बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो भाई, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बॉर्डर पर पहुंचो, वहां पर आपकी ताकत, हाजिरी आपकी वहां पर लगेगी, ना कि यहां पर। हाँ, जो भाई नहीं जा सकता, जिसकी मजबूरी है, वो सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ भाई, वो किसानों की आवाज सोशल मीडिया पर उठाओ,
लेकिन ये नहीं कि भाई टाइम भी है फिर भी नहीं जा रहे हो, जो सवादा है पर नहीं, हम तो यहीं आसपास बैठ जाएंगे। नहीं बैठना भाई, अब वो टाइम नहीं है। जो ये 3 रात गुजरी है ना, जो वहां पर बॉर्डर पर बैठे हैं उनसे पूछ के देखो ये 3 रात कैसी गुजरी है। 26, 27, 28 की रातें जो उनकी गुजरी है, उनके दिल पर हाथ लगाकर देखो कैसे गुजरी है। समझ गए? अब जितनी ज्यादा ज्यादा ताकत आपको बढ़ानी है वो बॉर्डर के ऊपर बढ़ानी है, ना कि यहां पर आसपास बैठने के जो भी मैसेज आते हैं ना उन मैसेजों को इग्नोर करो। आप जहां पर लंगर चला रहे हो 10-20 आदमी आराम से संभाल सकते हो, 10-20 आदमी उस लंगर को आराम से संभाल सकते हैं। आपकी ताकत कहां पर बढ़ेगी? जितने ज्यादा बॉर्डर पर आप बैठोगे ना, हिम्मत नहीं है पुलिस प्रशासन की आपको छेड़ेगा या गलत बोलेगा कुछ करेगा। हाँ, जो ये बोले टोल खोल दिए ना, खोलने तो टोल, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर किसान का झंडा है, किसान यूनियन का झंडा अगर आपकी गाड़ी के ऊपर फिर टोल काटता है, तो फिर देखो हम इन किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना। जो लोग जिन लोगों के लिए हमने लड़ा टोल बंद किए, वही लोग पीछे सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं ये तो गुंडे है, ये तो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, वही लोग तो लिख रहे थे ना। कटने तो उन लोगों का टोल, चाहे उनका डबल टोल कटो, हमारे को क्या मतलब है इस चीज से? क्यों हम जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं फिर वही हमारे को गालियां दे रहे हैं, नकली आइडिया बना के कुछ करके ये गालियां दे रहे हैं। क्यों करना भाई हमको इनके लिए? हम आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, इन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं ना। फिर ये लोग ऐसा कर रहे, कटने दो इनका, इनका डबल टोल कटने दो यार, तब इनकी समझ में आएगी। ये लोग 5 मिनट धरने पर जाकर नहीं बैठ सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे पहले लिखेंगे वो तो गुंडे हैं, वो किसान नहीं है, नकली किसान है, ऐसे लोग ही लिखते हैं। ऐसे लोगों का डबल टोल कट जाओ, चाहे हमारे को कोई मतलब नहीं है उनसे। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब जो जोश उठे ना, इस जोश को ना ढिल्ला मत पड़ने देना। हर अपनी रणनीति भी चेंज करेंगे, हर चीज चेंज करेंगे। अभी तक तो सरकार घुटनों पर, चाहे पेट के बल लेट जाना, ये अब नहीं छोड़ा जाएगा। हर नीति, हर रणनीति को चेंज किया जाएगा। एक जो सबसे बड़ी बात है, जो धरनों पर बैठे हैं या स्टेज पर जो बोलते हैं ना, उस चीज को नोट करने का जो आगे स्टेज पर बोलते हैं, स्टेज पर जो बोलते हैं ना, ध्यान से अगले का नाम लिखो और पहले पूछ ले भाई बोलेगा क्या। कोई भी आता स्टेज के ऊपर गाली गलौज करके चला जाता, बदनाम कौन होते? बदनाम होते जो धरनों पर बैठे हो, किसान बदनाम होते हैं। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। अब आप छोटी सी छोटी बात का ध्यान रख के चलना है, ये नहीं कि किसी ने काम काम कुछ चला दिया और आप लोग उसके पीछे चलते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे भाई। छोटे से छोटे, मैंने पहले ही बताया था, जितने भी 40 लाख 50 लाख किसान थे ना, जितने भी थे सबके सब भाई, पहले बता था आप सब नेता हो, किसी की बात नहीं माननी है, लेकिन फिर आ गया आप बातों में। कोई एक आदमी स्टेज पर चढ़ता है, खास करके नौजवान, नौजवानों को पहले बताया था भाई जोश जोश में होश मत खोना, वही हुआ ना। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, देर नहीं हुई है, वापिस आओ अपनी जगह पर बैठो, लेकिन जोश के साथ होश जरूर रखना। पहले ही बताते आए थे, अगर थोड़ा सा भी होश खो दिया, ये लोग पहले इंतजार में बैठे हैं, इनको छोटा सा मौका दे दो। ये तो वो गंध है जो बोलते हैं ना, जो कुत्ता बैठा रहता है ना टेंट के बाहर, कुत्ता बैठा रहता है, कब पतल बार आगे गिरेगा और तू झपट्टा मारेगा, ये वो गोदी मीडिया है। ये कुत्ते से भी गई गुजरी है भाई, सीधी बात है। ये तो झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठे हैं, इनको मौका क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो इनको मौका? अगर कोई छोटे से छोटी बात भी आपके सामने आती है, छोटे से छोटी बात को, उसको ध्यान से देखो कि ये बात कहां से आई है और क्यों आई है, उसके ऊपर पूरा भाई, सबके सभी पढ़े लिखे हो। ये तो है नहीं आजकल भाई, कोई अंगूठा टेक तो कोई बचा नहीं है। पढ़े लिखे हो आप, सोशल मीडिया चलाते हो, आपको अच्छी तरीके से पता है अगर कोई बात आपके सामने आती। इन्होंने मीडिया में पूरा बवाल मचा दिया कि भाई सभी बोर्डरों से उठ के आगे, किसान उठ के आगे, देख लिया रात रात में डबल की जगह ट्रिपल संख्या होगी वहां पर, ट्रिपल से ज्यादा करो। जिसके पास टाइम है, अगर 10 मिनट का 20 मिनट का टाइम है, जाओ और जाकर वहां पर अपनी हाजिरी लगाओ। टिकरी बॉर्डर पे जा सकते हो, या आप सिंगू बॉर्डर पे जा सकते हो, गाजीपुर बॉर्डर पे जा सकते हो, जहां आपके नजदीक लगता है वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचो। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप 1 घंटा आध घंटा वहां पे बैठ के आओ, अपने भाइयों से मिल के आओ। किस चीज की कमी है वो वहां पर देखो, दूध की कमी है, पानी की कमी है, वापिस अपनी सप्लाई शुरू कर दो भाई। लड़ाई मेरे भाई 1-2 दिन या 10 दिन में नहीं जीती जाती, लड़ाई बहुत लंबी है। ये जो तानाशाह है ना, ये हर, पहले बताया था, हर रणनीति अपनाएगा ये। और सबसे बड़ी रणनीति है ना कि एक दूसरे से तोड़ देना। एक अगर उसका वीडियो ले आते, इन्होंने ऐसा एडिट करके वीडियो चलाया राज्यवाल का, एक बुजुर्ग है वो, उसने कुछ बोला था या तो उस पूरे वीडियो को सुनता। जो ये बवाल मचा रहे हैं ना, लाइव आके बोल रहे हैं, राज्यवाल ने ये बोल दिया हरियाणा वालों को, क्या बुजुर्ग है? अगर बोलिया भी है ना, तो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बोलिया है, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुल पा रही है, बस तुम लोग लग जाते हो गालियां देने के लिए। ये गालियां देने से पहले ना सोचा करो, हर चीज को सोच समझ के तब बोलिया करो। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया और आप उसके ऊपर आंख मीच के चल देते हो, आंखें बंद करके मत चलो। पहले सभी के पास दिमाग, अपना दिमाग लगाया करो। अगले ने ये बोल लिया तो क्यों बोल लिया है, फोन करके भी पूछ सकते हो कि आपने पूरे हरियाणा को बोल लिया क्या? उस आदमी को वीडियो जारी करना पड़ा कि हरियाणा वाले भी मेरे ही बच्चे हैं, बड़ा बुजुर्ग है, अगर कुछ बोल लिया भी तो उसने माफी मांग ली ना, उस बात को वहीं पर खत्म करो।
और दूसरी बात जो बची उस दीप सिद्धू वाली जिसने वहां पर झंडा लगाया था, कुछ भी किया था, जो फिल्म बनाई थी, कुर्सियों पर बैठे थे पुलिस वाले, बैठ कर देख रहे थे, कुर्सियों पर पुलिस वाले बैठे और वो झंडा बदली कर रहा है, सुबह 8 बजे तोड़े जा रहे हैं और पुलिस हरकत कर रही है शाम को 7 बजे। क्यों भाई, दिल्ली को लावारिस क्यों छोड़ा गया था? सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली को लावारिस छोड़ा गया था, किसी ने सोचा क्यों छोड़ा गया? इनकी साजिश थी कि 10-15-20 हजार को मार दो, इनका मनोबल टूट जाएगा, कोई नहीं मरेगा ना, ना ही कोई आत्महत्या करेगा। जो आत्महत्या वाली बात आई है ना, उसने बोला था अगर कानून उल्टे नहीं हुए तो नहीं करेगा, वो महेंद्र टिकैत का खून है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। वो बाबा रामदेव नहीं है जो सलवार पहन के भाग जाएगा, डर के भाग जाएगा, ये किसान के पुत हैं, खड़े होके लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बात का ध्यान रखना, दोबारा सभी भाइयों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या अपनी बॉर्डर के ऊपर बढ़ा दो दोस्तों, जितने भी हो 300-400 भाई, शेयर करना, शेयर टू ग्रुप करना, वो आपकी मर्जी है, किसी को ज्यादा ना शेयर का बोलते ना और कुछ बोलते, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर है भाई, ज्यादा से ज्यादा संख्या अपनी बॉर्डर बढ़ाओ, जितने जो जिसके नजदीक जो बॉर्डर लगता है ना, अपनी वहां पर संख्या बढ़ा दो। मिलना है आ जाना भाई, टिकरी बॉर्डर पर मिलेंगे, वहीं पर मिलना आपको, वहीं पर मिलेंगे, लेकिन अपनी संख्या बढ़ा दो दोस्तों। अब नहीं पढ़ाई ना, फिर कभी नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। किसी के पास 1 घंटे का टाइम है, कुछ भी टाइम है, रात रात में देखा ना, ये पूरी फेसबुक भर गई थी, हर एक ने लगा दी थी राकेश टिकैत की डीपी, लगाई थी ना, खुद मार्क जुकरबर्ग के भी समझ में नहीं आ रही कि तू फेसबुक का मालिक तू है या राकेश टिकैत है। ये होती है एकता, और इसी एकता का परिचय देना है। जो भाई नहीं हिजाब आता, सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ यार, पहले ही बताया था, आप सोशल मीडिया पर आवाज उठा सकते हो। तो भाई दोस्तों आ जाओ, चलते हैं, अपन टिकरी बॉर्डर है, वहीं पर मिलेंगे आपको, वो जो करना करो दीप सिद्धू के साथ, वो सरकार करेगी, उन्हीं का बंदा यार, क्या करेंगे उसके साथ, पकड़ेंगे फिर छोड़ देंगे, ये तो चाहते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों की ना खुद वो देखो, अगर फंस जाता है ना, उसका इलाज खुद करो, इलाज खुद कर दो ऐसे आदमी का, जो भी गड़बड़ करता मिलता है, कुछ भी करता मिलता है, इलाज करो, किसान पुत्र हो क्यों नहीं कर सकते इलाज, इलाज करो ऐसे लोगों का। छोटे से छोटी चीज पर नजर रखो, छोटी से छोटी घटना पर भी नजर रखो कि ये घटना हुई है तो क्यों हुई है, ये लोग बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मीडिया को देखना बंद कर दो, आप टीवी में जो न्यूज में दिखाते हैं ना, उसको देखना बंद कर दो, और सोशल मीडिया पे जितना होता है उतना ज्यादा से ज्यादा अपना किसानों की सपोर्ट में डालो, जितनी ज्यादा ज्यादा आप किसान की सपोर्ट करोगे ना, आपको उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा कर रहे हो सभी भाई, अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करना है। और दोबारा धन्यवाद भाई, पश्चिमी यूपी वालों, हरियाणा वालों, जो आप एक आवाज पे वहां पर पहुंच गए, अब अपनी संख्या बढ़ा लो भाई बॉर्डरों के ऊपर, यहां पर अपनी संख्या बढ़ाने को जरूरत नहीं है, लड़ना है, जीतना है, लड़ेंगे जीतेंगे। पहुंचो सभी भाई, पहुंचो, सभी से रिक्वेस्ट है, जुड़ना है भाई, पेजरा और कोई भाई बोलता ले भाई, मैं लाइव आके मैं बोल सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, पहले बोला था, आपको मौका दिया जाएगा। ज्यादा ज्यादा पहुंचो भाई, मिलते हैं टिकरी बॉर्डर पे, मिलेंगे सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां पर जितनी ज्यादा नफरी आप बढ़ा सकते हो वहां पे बढ़ाओ, जुड़ना है, ये पेजरा है भाई, पेज से जुड़ जाना। ये कितनी रिपोर्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, कल से मैं पोस्ट नहीं डाल पा रहा, कुछ नहीं डाल पा रहा था, एकता का परिचय देना है, एक थे एक हैं, पहले बोल रहे थे ना हरियाणा पंजाब यूपी भी जुड़ चुका है, राजस्थान भी आ चुका है, अरे कितनी दूर दूर से लोग आए हैं यार, मद्रास चेन्नई वहां से लोग आए हैं, आपको तो नजदीक है, नजदीक ही जाना है ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा ज्यादा आप लोग वहां पर पहुंचोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब आपकी जरूरत बॉर्डर के ऊपर है, यहां पर अगर लंगर लगा रखे आपने, 10-20 भाइयों को छोड़ो, वो लंगर को संभालते रहेंगे, पहुंचना कहां पे, पहुंचना बॉर्डर के ऊपर है, आपकी जरूरत बॉर्डर के ऊपर है। अब ठीक है मेरे भाई, आपको शेयर करना, शेयर टू ग्रुप करना, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कहां पर क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन एक अपील जरूर आपसे कि ज्यादा से ज्यादा आप बॉर्डर पे पहुंचो मेरे भाई, ये अपील आपसे पहले भी की थी, दोबारा फिर कर रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं तो आप 1 घंटा दे के आ सकते हो अपने भाइयों के पास, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना दे सकते हो आप वहां पर दो, और सप्लाई दोबारा शुरू होगी है, वहां पहुंचो आप, किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी, कोई चीज की कमी पड़ती है एक दूसरे संपर्क करते रहो, पूछते रहो भाई कहां पर किस चीज की कमी है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी पानी की, दूध की, इन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सप्लाई दोबारा शुरू कर दो। सबसे बड़ी बात, पानी की कमी पड़ी थी वहां पर हमारे को टिकरी बॉर्डर पर, क्योंकि पानी की सप्लाई नहीं होने पाई थी 3 दिन तक, पानी की ज्यादा ज्यादा सप्लाई करनी है, वहां पर सप्लाई करो पानी की, पानी और दूध, इन चीजों का ध्यान रखो, खाने पीने किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, आप पैसों के चक्कर में मत घुसो, सप्लाई कर सकते हो खाने की, पानी की, दूध की, इन चीजों की सप्लाई दोबारा शुरू कर दो, वहीं पर जमेंगे, जमे रहेंगे। लेकिन अब ये सरकार अगर कुछ चाल चलेगी ना, जैसे होगा तैसा वाली रणनीति करने में ना कोई टाइम नहीं लगता है, ये ध्यान कर लेना, ये कितने अगर ये कुछ ज्यादा छल करेंगे उसका भी जवाब दिया जाएगा,
इस मीडिया की टक्कर में ना, जो एक गोदी मीडिया, इसकी टक्कर में किसानों की सोशल मीडिया है, उसका जवाब देना है, किसान पुत्रों को देना। सोशल मीडिया पर रेल बना दो यार इनकी, सौदा के इनका कुछ भी नहीं। ये जितना ज्यादा गंद फैलाते हैं ना, गंद को उधर के उधर ही दाब दो, दबा दो इनके गंद को, उठने मत दो। पहले सोचते थे ना भाई कीचड़ में डड़ा क्यों मारा, छींटे लगेंगे। डड़ा नहीं मारना, पूरा पत्थर मार दो, कीचड़ ही खत्म हो जाए इनका। अब डड़ा नहीं मारना, इस कीचड़ में उठा के इतना बड़ा पत्थर मारो ताकि ये कीचड़ बनी ना पाए। इस कीचड़ को दबाने के लिए अब डड़ा या ईंट नहीं मारनी है, पूरा पत्थर उठा के मार दो, कीचड़ को खत्म कर दो। नहीं ज्यादा, जितना ज्यादा कीचड़ फैलेगा उतना ही ज्यादा कमल खिलने की जो ज्यादा संभावना है। कीचड़ को ही खत्म कर दो ताकि ये कमल कहीं खिली ना पाए। सीधी सी बात है, कोई भी भाई अगर किसको लेता, कोई कुछ कहता, ये गाली गलौज करने वाले ना, जो ये 5 रुपए की दाढ़ी वाले मजदूर है मेरे भाई, इन पर ध्यान नहीं देना। ये आपका ध्यान भटकाते हैं, ध्यान भटकाने के लिए आते हैं ये लोग। ऐसे लोगों पर ध्यान ही मत दो। मरे हुए हैं, जिनका जमीर मर गया उनको आप जिंदा समझते हो क्या? मरे हुए जमीर वाले इंसान को हम तो जिंदा नहीं समझते भाई। ये मरे हुए लोग हैं, जिनका जमीर मर गया वो खुद ही खत्म है, कुछ नहीं कर सकते। ये मरे हुए जमीर के लोग हैं, गालियां दे सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे? गालियां दे के क्या कर लेंगे भाई? कुछ नहीं कर पाएंगे ये। इनको ये नहीं पता, ये हो सकता अपने माँ बाप को भी गालियां दे, अपने बाप को गाली दे सकते थे। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? खत्म करो इन लोगों को, इग्नोर करो, वैसे ही मरे हुए हैं ये, खत्म होने दो इनको। जुड़ना है ये पेजरा भाई, शेयर करना नहीं करना वो आप लोगों की मर्जी है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर किसानों की आवाज उठाओ, खुद लाइव आके बोलो, एक दूसरे की मदद करो। ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की मदद करना सीखो मेरे भाई। इतना अच्छा आपको तरीका सिखाया पंजाब वालों ने कि इतने एक देश को एक उसमें पिरोग ले सकते हैं, एकता में बांध सकते हैं ये, तो अपने गांव में एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते आप? एक दूसरे की मदद करो भाई, ठीक है? राम राम भाई सभी को।